भाई सॉरी भाई सॉरी। ए, एक बात बोलता हूँ सुन ले, इस ईगो को घर में रखकर अपने दुश्मन से प्यार कर, लाइफ अच्छी चलेगी, समझा क्या? हाँ, समझ गया भाई। तो जा फिर जाकर ग्राहक देख, चल जा जा। अरे जा। अरे बेटे तुम्हारा हाल देखकर लगता है कि तुम हैदराबाद में नए आए हो, कौन से गांव से आए हो यहाँ पर? जी मेरा नाम गोपी है, मैं अमलापुर से आया हूँ। क्या अपने अमलापुर से? हाँ। अरे वहाँ की हरियाली, नारियल पानी, बहते झरने, सूखी मछली, गोदावरी का पानी, अरे उस स्वर्ग के बारे में तो बात करते करते पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा। चलो हमारे घर चलते हैं, वहाँ चलकर बातें करेंगे। जी नहीं सर, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा, तुझे देखते ऐसा लगा जैसे तू मेरा छोटा भाई है। चलो वो सब ठीक है, ये लो ये कार्ड रखो, इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है, ये मत भूलना। अच्छा बुरा जो हो बस अपने भाई को एक फोन कर लेना, भाई आ जाएगा, ठीक है ना? जी सर। एक गाड़ी निकाल रहे। ए रंगा, ये लड़का गोदावरी का बेटा है, सुना ना तूने? हाँ माँ अच्छी तरह से सुना। तुझे और कुछ काम आता भी नहीं, तेरी माँ को कितना कुछ कह रहा था, तूने एक शब्द भी नहीं बोला उसे, और इस लड़के को देख, गोदावरी के संस्कार है इसमें। तुम्हारे सामने मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी, यही सोचकर चुप था माँ। झूठा कहीं का, वो सब तो ठीक है, लेकिन रंगा अपनी मंगा के लिए लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है माँ। मैं कह रही थी ना, तेरे दिमाग की बत्ती जलती ही नहीं है, पागल कहीं का। तुम्हारे सामने मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी। अरे बेटा रुक जा तो, अरे मेरी बात तो सुन बेटा, रुक जा। अरे रंगा ये तो गोदावरी का बेटा है ना? हाँ माँ तुम सही कह रही हो, ये वही है। अरे सुनिए बाबू, गोदावरी का बेटा है ना? क्यों बेटा तुम बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। ठीक है बेटा, मैं एक बात पूछ रही हूँ, बुरा मत मानना हा? मेरी मंगा के लिए रिश्ता देख रही हूँ, एक अच्छे लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मिल गए। तुम्हें एतराज तो नहीं है ना बेटा? बाकी की बातें घर वालों से। नहीं मेरी बात सुनिए, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, प्लीज। क्यों बेटा, मेरी मंगा मोटी है इसलिए? अरे दादी माँ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं हमारे गांव की एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो खत लिखकर हैदराबाद आ गई है, उसी को मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। हे भगवान मेरी मंगा बदनसीब है, कौन है वो नसीब वाली लड़की? इंदु। याद तेरी मुझको रुलाए, मुझको सताए, गोपी गोपी। खेलना मत समझे? सर ये सब क्या हो रहा है, हमने क्या गुनाह किया सर? अच्छी एक्टिंग करते हो, गोलियों से भून के रख दूंगा। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है सर, मैं अमलापुर से हूँ, मेरा नाम गोपी है सर। तुझे क्या मैं उल्लू दिखाई देता हूँ? सोचा मर्डर करके आसानी से भाग जाएगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते। सर मैंने और मर्डर किया सर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ज्यादा नाटक किया तो सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ सर। ए, फोटो दिखा। इसे प्यार में फंसाकर बड़ी बेरहमी से मारा तूने। सर ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता हूँ, बस एक ही बार इसके साथ सेल्फी ली थी सर। सेल्फी लेने के लिए तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या? चल गोपी। ए, चल। सर, सर मेरी बात सुनिए। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है सर, गोपी ऐसा नहीं है सर, वो बहुत अच्छा है सर, प्लीज इसे छोड़ दीजिए सर। इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो, अपने घर वापस जाओ, ये धोखेबाज है। नहीं सर, हटाओ इसे। सर गोपी, Ah!
काम का जाल बिछाया, जाल में फंसाया भी, जरूरत खत्म होने के बाद बेरहमी से मार डाला। अमलापुर के गोपी नाम के व्यक्ति ने बंजारा हिल्स के पूर्वी नाम की लड़की से प्यार का नाटक करके उसे बेरहमी से मार डाला। छिपकर घूम रहे गोपी को पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए गोपी का इन्वेस्टिगेशन बंजारा हिल्स के डीसीपी चंद्रशेखर कर रहे हैं। देखिए डीसीपी चंद्रशेखर ने मीडिया को क्या बताया है। गोपी नाम का व्यक्ति अमलापुर से है, पूर्वी नाम की लड़की किसने हत्या की है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंप्लीट होते ही सारी डिटेल्स बताएंगे। ये सब क्या है बेटा, तुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, गांव वालों के सामने मैंने तुझे बहुत शर्मिंदा किया, मेरा श्राप ही तुझे लगा है। नहीं पापा, नहीं। अरे ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया ये हमें भी पता है, पर तुझ पर से ये इल्जाम हटेगा कैसे? यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? ये लो रखो, इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है, मत भूलना। कौन है ये सब, निकालो नहीं यहाँ से। नमस्कार सर। नमस्ते। ये मेरा बेटा है। तो फिर ये कोई महान आदमी है या महात्मा है? मर्डर किया इसने। पर सर, चल निकल यहाँ से, चल निकालो ने। चलिए बाहर चलिए। अब हमारे सुंदर राजन जी अपना चेक संस्था को प्रदान करेंगे। मुझे ये क्लास लेना, स्पीच देना, ये सब नहीं आता है, लेकिन मैं अपने युवाओं से एक बात सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी वजह से तुम अकेले बर्बाद नहीं हो रहे हो, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा गांव, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है। जरा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई, इस नशे को छोड़ दो, है क्या इस नशे में? हाँ देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। भाई साहब जरा ये माइक पकड़ना एक मिनट के लिए। अब आपके सामने। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गोपी का पापा हूँ। कौन गोपी? वही जो अमलापुर। वो अमलापुर का गोपी? जी सर। हाँ क्या हुआ बोलिए। उसे मर्डर के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सर। अरे अरे, अच्छा कौन सा पुलिस स्टेशन? हाँ गोपी। हेलो। टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालेगा बे? हेलो डीसीपी साहब, मुझे लोग सुंदर राजन कहते हैं, वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ लेकिन साथ में सोशल सर्विस भी करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा साहब? हमारा गोपी बहुत अच्छा इंसान है, ये कोई गुनाह नहीं कर सकता, आप इसे छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बकवास बंद कर, अगर ज्यादा बोला तो अंदर डाल दूंगा। ए, सुनो, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। मैंने सुना है पुलिस स्टेशन में सुंदर राजन जी आए हैं, संभाल कर नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। मैं कौन हूँ और क्या हूँ अब तुझे समझ में आया ना? हमारे गोपी ने मर्डर किया है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? देखिए डीसीपी साहब, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50A, अक्यूज से संबंधित केस की जानकारी उनके ब्लड रिलेशंस को ही बतानी चाहिए, वरना आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो फिर सुनिए, इसने पूर्वी नाम की लड़की की हत्या की है। हत्या से एक दिन पहले इसने लड़की से 45 मिनट बात की, उसके अगले दिन इसने लड़की के ATM कार्ड से 40,000 रुपए निकाले। बहुत ज्यादा गर्मी है इसमें, इसने 10 लोगों को पब में धो डाला। इतना काफी है या और कुछ चाहिए? जो बोलना है कोर्ट में बोलना। आउट। हत्या के गुनाह में आरोपी पाए जाने वाले गोपी को कोर्ट 14 दिन के रिमांड पर भेज रही है। अबे देख क्या रहा है, खाएगा क्या? नजर नीचे। सुना नहीं क्या? आकर इसी का तो। अच्छा तुम मारेगा मुझे? छोड़ो,
पैर में चोट आई है, सर में छोटी इंजरी है, पल्स इज ऑल राइट, ही गॉट सम ब्लड लॉस। द सेम मेडिसिन यू कैन, पुराने दवाइयां ही आगे कंटिन्यू रखिए। नमस्ते डॉक्टर, इसकी कंडीशन कैसी है? एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, नथिंग टू वरी। इसे डिस्चार्ज कब मिलेगा? विद इन 2-3 डेज ही विल बी डिस्चार्ज। सर क्यों बे, शांति से नहीं बैठ सकता क्या? तो इस तरह से मर्डर्स करता रहेगा, तुझे लगता है कि हम देखते रहेंगे तुझे? मेरी बात तो सुनिए सर। इसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा। ओके सर। अगर जरा भी हरकत की तो गोली चला देना। इसके डिस्चार्ज होने तक सावधान रहना। मारना तो है उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए सिगरेट। उसने किया क्या है? इसका नाम गोपी है, अमलापुर का है। इसने कुछ दिन पहले एक पूर्वी नाम की लड़की का मर्डर किया है। मर्डर किया है? तुम जाओ। ए, मर्डर करने की हिम्मत की है तो हमारे मारने पर दोबारा मारता, यानी हमारे मुताबिक वो मर्डर तुमने नहीं किया है। क्यों बे, मदद चाहिए? जोर से मार रहा हूं क्या? दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं रे। तो, तेरी तो। सॉरी भाई, करना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम। सर गोपी जेल से भाग चुका है सर। अरे? अरे कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। देखो गोपी, आज जो हम पति पत्नी इतने खुश हैं, उसकी वजह तुम हो। अब आज अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हम ऐसे कैसे रह सकते हैं? गोपी नाम का क्रिमिनल फरार है, दिखाई दिया? नहीं सर, 2 घंटे से हम यहीं पर हैं। दिखते ही गोली मार देना उसे। यस सर। डीसीपी साहब चले गए, डोंट वरी, मैं हूं ना। तैयार होकर आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है सर। ये सब कैसे हुआ गोपी? वो लड़की है कौन और तुम इस केस में फंसे कैसे? कितना भी सोचूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये सब जिसने भी किया ना, उसका मेरे हाथों खून जरूर होगा। शांत हो जाओ गोपी। शांत नहीं हो सकता, जो भी हो रहा है उसने मेरे ईगो को तोड़ दिया है सर। मर्डर वाले दिन तुमने उस लड़की के साथ पूरे 45 मिनट बात की है? मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ सर। उसी दिन मेरा फोन रेलवे स्टेशन से चोरी हो गया था। तो फिर मर्डर के दूसरे दिन ही उस लड़की के एटीएम कार्ड से 40,000 विड्रॉ क्यों किए? सर सर ये वीडियो आपको, एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है, डिपार्टमेंट से मिली है मुझे। मैं उस दिन वहाँ चाय पी रहा था, एक दादी माँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा कैश विड्रॉ करना है, तो मैंने कर दिया। हत्यारा चाहे जो भी हो, उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हें फंसाया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी पहचान से हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पहले किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? जरा याद करो। मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है सर। तो फिर पब में इतने लोगों को क्यों मारा तुमने? तुम्हारे एग्रेसिव नेचर की वजह से हमारा डिपार्टमेंट इस कंक्लूजन पर आया है कि ये मर्डर जरूर तुमने ही किया है। गलती मेरी नहीं थी सर, जानबूझकर उन लोगों ने मुझसे झगड़ा किया। पब के झगड़े के बारे में आपको कैसे पता चला? किसी अननोन पर्सन ने टीवी में तुम्हें देखकर हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। पब में उस दिन हत्यारा मौजूद था सर। मे भी हो भी सकता है, पर तुम उसे पहचानोगे कैसे? जरूर पहचान लूंगा सर। उसने गोपी के ईगो को हट किया है, उस इंसान को मैं कैसे भी पकड़ के उसके ईगो को चूर चूर कर दूंगा। हाँ? गोपी देखो, इन हालातों में तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं घर में रह के क्या करूंगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही होगा। एक मिनट गोपी, गोपी इसे रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, और मेरी गाड़ी ले जाओ, किसी को तुम पर शक नहीं होगा।
अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। जी सर, थैंक यू। अपना ख्याल रखना गोपी। जरा इधर आना। हाँ? तुम सही कह रहा हूँ, जीप में बैठो। मैं नहीं आऊंगी। प्यार की बात लोग समझते ही नहीं। हेलो डीसीपी, ये क्या जबरदस्ती है तुम्हारी? तुम पुलिस वाले हो या मवाली हो? अरे 20 सड़क पर एक लड़की को घसीट कर ले जाओ, ऐसे तुम्हारे किस कानून में लिखा है? बताओगे मुझे सब क्या चल रहा है? तू कौन है बे? हर बार मेरी ड्यूटी के बीच में आ जाता है, अगर ज्यादा बोला तो भूल कर दूंगा। क्या है, गोली चलाओगे? अरे तुम जैसे लोग ही बिल्ली ने दूध पी लिया कहकर उसकी माँ को अरेस्ट करते हो। अरे तुम में दम है तो गुनहगार को पकड़ कर दिखाओ। अरे भाई इसकी तरह मासूम लड़की की इज्जत बीच सड़क पर उतारने में कोई मर्दानगी नहीं है। तुम क्या समझते हो कि ऐसी दादागिरी पब्लिक के बीच में दिखाओगे तो पब्लिक तुम्हारी दादागिरी चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी? अरे चला ना गोली, चला, हिम्मत है तो चला के दिखा। अरे आप क्यों गन नीचे कर ली? चला के दिखा, चला। पुलिस का जुलम नहीं चलेगा, पुलिस का जुलम नहीं चलेगा, पुलिस का जुलम नहीं चलेगा। इस लड़की को अगर कुछ हुआ ना तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम किसी से डरते नहीं है। क्यों बहनों, पब्लिक को मजाक समझते हैं पुलिस वाले? चलो बेटी हमारे घर चलो, डरो मत बेटी। देखो मैं उस डीसीपी के जैसा नहीं हूँ, मुझसे बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। चलो आओ मेरे घर चलो, चलो आओ आओ बेटा, स्टार्ट करो। रुको रुको गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, 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 लाइसेंस बार दिखाओ, हेलमेट निकालो, लाइसेंस दिखाओ, ठीक है दिखाओ ना, यूसी किधर है, लाइसेंस दिखाओ, ठीक है ठीक, इंश्योरेंस दिखाओ, हेलमेट दिखाना, क्या है सर, सबको ठीक से चेक करना। ओके सर। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कांच ऊपर मत कर, पूरा हेलमेट निकाल। ए साइड 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 हटो, साइड हटो, साइड हटो, हटो हटो हटो, पागल हो गया क्या? मैं जान सकता हूँ तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? भाई एक तो पीकर गाड़ी चला रहा है, ऊपर से पुलिस पर ही चिल्ला रहा है क्या तू? अब तो तू गया, चल गाड़ी साइड में लगा और पहले फाइन निकाल। मैं फाइन दूंगा क्या? तुझे ही देना पड़ेगा। मैं फाइन दूंगा। हाँ तुझे ही देना है। गुटका खिला रहा है, गुटका ले। एक मैं ये लो भाई, ये सर आज तक मैंने बिना लाइसेंस के कभी गाड़ी नहीं चलाया। I am perfect human being, you know, understand? अरे ये मुंह पर क्यों थूक रहा है यार? साहब मुझे क्या पता साहब, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने भी किससे पूछ लिया। अच्छा चल वो सब छोड़, पहले फाइन दे। इंस्पेक्टर ये जानते हो क्या? क्या है ये? डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। मैंने भी सिर्फ सोडा मिक्स किया ना। सोडा मिक्स किया है? लॉजिक समझ में नहीं आया। अरे ये लॉजिक क्यों बोल रहा है? चल लाइसेंस निकाल। मैं लाइसेंस निकालूं? हाँ तू निकाल। लाइसेंस निकालूं? तुझे ही निकालना पड़ेगा। खेला गुटका खेला। अरे ती निकाल, चल अब लाइसेंस दे। अच्छा वो क्या लिखा है बताओ? वाहन धारक के पास जरूर लाइसेंस होना चाहिए। वाहन धारक ये लाइसेंस इससे मांगो। तू क्यों ड्राइव कर रहा है ये बता? मैं बाहर से आ रहा था, ये बोला मैं चला नहीं पाऊंगा तो मैं चला रहा हूँ। दिस इज द लॉजिक मैन। ये लॉजिक क्यों बोल रहा है? अरे इंस्पेक्टर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या? इस लॉजिक से तो ब्रह्मा भी नहीं बचेंगे, समझा? अच्छा ब्रह्मा, ठीक है। अब सुन, ट्रिपल राइडिंग का फाइन निकाल। क्या ट्रिपल राइडिंग का फाइन? नौकरी पे किसने रखा बे? क्या बोला तेरी तो? तीन लोग कहाँ है? एक दो तीन। तीन कैसे हुए? एक दो और आधा ढाई। ढाई कैसे हो गया? एक दो तीन दो लगा के रन। ए तू टच कर। एक बार किया तो दूसरी बार क्यों टच किया? सर पूरा गाना सुनने के लिए दोस्तों आजादी की बात की, ये दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। चलो हमें चलना है यहाँ से।